नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने घर में घर की चीजों से धन पोटली हम कैसे बनाएंगे। देखिए, कई ऐसे व्यापारी लोगों के घर में देखी हूँ, कौन कौन से चीजों से वो धन पोटली बनाते हैं, वो और भी चीजें डालते हैं जो कि हर आम आदमी वो सब चीजें नहीं जुगाड़ कर सकता। लेकिन हम कौन कौन सी चीजें डालकर किस प्रकार से धन की पोटली बनाएंगे अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है, तो वो विधि मैं करके दिखाऊंगी और क्या क्या नियम विधि है और कैसे हमें रखनी है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सोना खरीदने का या किसी भी प्रकार का सामग्री खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और अक्षय तृतीया कब पड़ा है 2023 में, ऐसे तो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी इसमें भी बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो चलिए धन पोटली बनाकर देखते हैं कौन कौन सी चीजें लेकर हमें बनानी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करनी है। तो देखिए, धन पोटली बनाने से पहले एक चीज और बता दूं कि जो चीज आपके पास है उसी से बनाइएगा, जो नहीं है उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करके देखिएगा, माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी के ऊपर रहे, यही तो हमारी प्रार्थना है भगवान से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए एक ऐसे थाली मतलब लेके नीचे नहीं रखी हूँ, और आपको क्या करनी है, इस प्रकार से आप लोग लाल वस्त्र या तो कॉटन का ले सकते हैं या तो साटन वाला ले सकते हैं, मलमल का जो आता है ना चिकना वाला वो भी ले सकते हैं, और मतलब आपके ऊपर है जो आपके घर में, जैसे गुलाबी भी है लाल भी है तो चलेगा। माता लक्ष्मी को आपको मालूम ही है लाल चीजें बहुत अधिक प्रिय है, मान लीजिए वो भी नहीं है तो पीला भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर जुगाड़ हो जाता है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लाल वस्त्र लेंगे, समझ में आ गया। दूसरी चीज, अब इसमें हमें क्या क्या डालनी है धन पोटली बनाने के लिए, तो देखिए आइए आपको एक एक चीजें मैं दिखा देती हूँ। तो एक पोटली चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से कपड़ा भी लेके आप ऐसा पोटली सिल सकते हैं। जो बहनें मेरी सिलाई जानती हैं उनको तो मालूम है कि पोटली कैसे सिलते हैं, या ज्वेलरी के दुकान में भी मिलता है तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए तो कर लीजिएगा या सिलाई कर लीजिएगा, जैसे आपको आता है, ठीक है। तो ये एक चाहिए हमें पोटली। दूसरी चीज क्या है, चलिए वो भी दिखा देते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है, मान लीजिए पहले का भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, या आपको नया अगर खरीद के लाते हैं तो उस दिन आप बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। देखिए इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो इस प्रकार का भी आप लोग अक्षय तृतीया के दिन सिक्का खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो एक अगर पहले से भी सिक्का रखे हैं तो उसका भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें पूछे हैं, दीदी उस दिन हम मंगल सूत्र क्या खरीद सकते हैं। देखिए अभी याद आया बीच में तो बता दे रही हूँ, और पांव का बिछुआ पायल वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम ही है कि अक्षय तृतीया स्वयं में ही एक शुभ मुहूर्त है, स्वयं में ही मतलब सिद्ध मुहूर्त उसको माना जाता है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य उस दिन आप कर सकती हैं। और जो है आप उस दिन पहने ना, भगवान के पास जब हम समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो हमारे ऊपर शनिवार को खरीदे या मंगलवार को खरीदे दोष नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप बिछुआ भी खरीदती हैं पांव का और मंगलसूत्र, तो आप खरीद लीजिए, चढ़ा दीजिएगा, उस दिन आप लोग पहनिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, हम अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो ले सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन देखिए, ऐसे बाकी दिनों में तीन की संख्या को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन तीन की संख्या और 13 की संख्या को सबसे अधिक शुभ मानते हैं। कि अगर 13 सिक्का आपके पास है चांदी का, तो ऐसे आम आदमी के पास मुझे नहीं लगता कि 13 सिक्का मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो देखिए अगली चीज हमें क्या लेनी है, 13 आप ऐसे नॉर्मल सिक्का, दो का भी रहेगा तो चलेगा, एक का मिल जाए तो और भी अच्छा है, मुश्किल होगा तो आप दो का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें 13 सिक्के जो है ऐसे सजा लेने हैं, ठीक है। 13 और 3 की संख्या बहुत ही अच्छा माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन। तो देखिए मैं पोटली बना के समझा रही हूँ, बहुत सारी चीजें
नहीं ले रही हूँ क्योंकि हर आदमी को नहीं मिल पाएगा, ऐसी चीजें दिखाती हूँ कि जो हर आम आदमी कर ले। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 13 सिक्का। और 13 सिक्का की हम पूजा कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हमको एक फूल के जरिए, एक फूल ले लीजिएगा या आम पल्लो। पूजा के लिए तो बहुत सारी चीजें हम घर में लाकर रखते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एक फूल लेकर सबसे पहले इन सिक्कों को हमें गंगा जल से शुद्ध कर लेनी है। ठीक है, ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोर्य। शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद देखिए इस पे हमें चंदन लगानी है, और या लाल आप चंदन भी लगा सकते हैं, और आप जो है इसके ऊपर लाल सिंदूर भी लगा सकते हैं, अगर है तो रोली भी लगा सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। सारे जितने सिक्के आपने लिए हैं 13 के ऊपर आप लोग चंदन वगैरह लगा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत डिटेल दिखाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और लाल इसके ऊपर आपको चंदन या रोली लगा देनी है, लाल सिंदूर लगाइएगा, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है लाल चीजें। आप लाल वस्त्र पहनिएगा उस दिन, अगर कोशिश कीजिएगा कलरफुल पहनिएगा। ठीक है, तो 13 सिक्का हमें इस प्रकार से पूजा कर लेनी है। ये भी हो गया। अगली चीज क्या हमें करनी है, तो देखिए इसमें हमें अगली चीज क्या डालनी है। अगर मान लीजिए आप चांदी का लेते हैं तो चांदी का भी एक सिक्का आप इसमें रख सकते हैं। अगर 13 है तो ये सिक्के की जरूरत नहीं है, 13 ले लीजिए। लेकिन अगर चांदी का है तो चांदी के सिक्के के ऊपर भी हम तिलक वगैरह लगा देंगे, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली चीज हमें पोटली में क्या डालनी है, तो हल्दी, जो कि सबसे अधिक शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में अगर आप हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हल्दी तो लेनी ही है। अगली चीज क्या है, माता लक्ष्मी या किसी देवी देवता को, दुर्गा जी को भी हम चढ़ाते हैं इलायची, पूजा पाठ में इलायची। तो आप 3 की संख्या में भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे 3 की संख्या, देखिए अक्षय तृतीया के दिन 3 की संख्या लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे, मेरा मन नहीं मानता तो मैं 5 लूंगी। आप देख लीजिएगा, मैं 5 की संख्या में ही कोई भी चीज चढ़ाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये हो गया। अगली चीज क्या चढ़ाएंगे, 5 लौंग, और उसमें भी देखिएगा फूल वाला आप लोग लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से फूल होना चाहिए। ठीक है, पोटली में देखिए क्या क्या चीजें हम रख रहे हैं, तो 5 लौंग आपको लेनी है। ये भी हो गया। और उसके आगे 1 सुपारी, तो ये हो गया सुपारी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं वो क्या है, धनिया। तो बहुत ज्यादा नहीं लेनी है क्योंकि हमें बहुत दिनों तक रखनी है। तो देखिए ये हो गया धनिया। तो अगली चीज हम क्या है, धनिया को भी आप लोग को मालूम ही है, धनतेरस के दिन हम धनिया खरीदते हैं, तो ये भी माता लक्ष्मी का कहीं ना कहीं स्वरूप मानते हैं। और अगला महत्वपूर्ण चीज क्या है, चावल। ठीक है, थोड़ा सा हमें चावल लेनी है, बहुत अधिक नहीं लेनी है, लेकिन 2 बार कर दीजिएगा, 1 बार नहीं। तो सारी बातें समझ में आ गई। और ये चीज देखिए, फूल जो है, फूल भी एक इसमें हमें डालनी है, पुष्प, लाल फूल लीजिएगा। और फूल अगर जब आप पोटली बना लीजिएगा तो फूल को थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ड्राई होना चाहिए। गुलाब का फूल हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे पास लाल फूल नहीं था। गीला फूल इसमें आप लोग मत डालिएगा, आप इसमें एक सूखा फूल डालिएगा, क्योंकि वो सड़ जाएगा, इसमें सभी चीजों को नष्ट कर देगा। तो आप लोग सूखा फूल डालिएगा, और गुलाब का मिले तो और भी बेहतर होगा। सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमें धन पोटली बनानी है, किस दिन, अक्षय तृतीया के दिन। और बनाकर जब पूजा पाठ कर लीजिएगा, इसके ऊपर जल का, जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती जो ही आपके पास आप जलाई है, दीप वगैरह दिखा लीजिएगा, जो है लक्ष्मी माता को मन में ध्यान करते हुए, और कहना है कि हे माता रानी आपका वास, और आप स्थिर रूप से हमारे घर में निवास कीजिए, उनसे प्रार्थना करना है, कहना है कि कोशिश कीजिए कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। तो ये मन में सोचते हुए पूजा करनी है। और लक्ष्मी माता और गणेश जी की अगर प्रतिमा आपके घर में है तो उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, ऐसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में हर चीज मैं बता चुकी हूँ। तो ये हो गया धन पोटली, और उसके बाद हम इसको बांधेंगे। तो और आगे बता दूं कि देखिए इस साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ा है, दिन क्या है, शनिवार। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या है कि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त खरीदारी का, जैसे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, सोना चांदी ही खरीदनी है, अगर मिल जाए तो जरूर खरीदिए। दूसरी चीज क्या है कि आप सुबह
7:49 से लेके अगले दिन आप 5:38 तक, मतलब 22 से लेके 30 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। पूरा शुभ मुहूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो है, जो सबसे अधिक शुभ मुहूर्त कब आप लोग सोना खरीदने का या कोई भी चीजें चांदी वगैरह जो खरीदना चाहते हैं, 7:49 से लेके 12:54 तक है, दोपहर तक। आप लोग पूछे दीदी रात में 12 बजे तक कि दोपहर, दोपहर में 12 बजे तक है, 12:54 तक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बीच में खरीद लीजिए। ऐसे तो मार्केट में बहुत अधिक भीड़ मतलब रहती है, सभी लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो इस प्रकार से हमें धन पोटली बनानी है। और बनाकर इसको हमें फूल देखिएगा सूखा होना चाहिए, और इन सभी को हमें पकड़कर बांध लेनी है, ठीक है। और बांध के हमें क्या करनी है, या तो आपके घर में अगर तिजोरी है, देखिए हर आदमी के घर में तिजोरी भी नहीं होता है, सच्चाई बता दे रही हूँ, नॉर्मल पर्स में और इधर उधर अलमीरा में ड्रॉर में लोग अपना पैसा रुपया रखते हैं लाल कपड़ा बस बिछा के, लेकिन अगर तिजोरी है तो उसमें इस पोटली को आपको रखनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में तिजोरी नहीं है तो कहाँ रखेंगे, तो आप मंदिर में, आप अपने मंदिर में इसमें पोटली में डालकर और इसको बांध कर और इसकी रोज हमें पूजा करनी है। बहुत सारे लोग तिजोरी की भी पूजा करते हैं जो मुनीम लोग रहते हैं, तो हम लोग तो मुनीम है नहीं, हम लोग तो आम आदमी है। तो देखिए अगर तिजोरी में रखते हैं तो डेली पूजा करना पड़ेगा, और अगर नहीं रखते हैं तो आप पूजा मंदिर में रखिएगा और माता से प्रार्थना कीजिएगा अस्थायी रूप से आपका वास हो, हे माता लक्ष्मी, इनको सिर पे लगा के हमें प्रणाम करनी है, और प्रणाम करने के उपरांत हम अपने मंदिर में अस्थायी रूप से रख देंगे और प्रतिदिन इनकी पूजा करेंगे, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के दिन यही सब चीजों का डाल के हम धन पुटली बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं आप लोग देखे ही हैं, मुझे लग रहा हर आदमी के घर में ये सभी चीजें मिल जाएंगी, तो आप लोग बना सकते हैं। और पोटली ना मिले तो सिल लीजिएगा, ठीक है, सिलाई कर लीजिएगा किसी भी कलरफुल कपड़े से, लाल मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो यही हमारा धन पोटली था। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत अधिक पावर मिलता है, जो भी लोग मेरे लिए इतना खूबसूरत कमेंट लिखते हैं उससे बहुत अधिक एनर्जी मिलती है, कितने भी थक के रहते फिर भी वीडियो बनाने का दिल कर देता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो का वेट करते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो एक ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।